तो कहानी की शुरुआत बेकी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपनी कार से अपने काम पर जा रही होती है। बेकी चैडविक सिटी के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और अपनी कार को पार्किंग एरिया में लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है। तभी उसके पास केविन आता है। केविन भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। यहाँ से दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर इस रेस्टोरेंट की मैनेजर सैंड्रा बाकी वर्कर्स के साथ इन दोनों का ही वेट कर रही होती है। अब सभी के आ जाने से सैंड्रा सभी वर्कर्स को बताती है कि कल रात किसी ने मेन डोर खुला छोड़ दिया था जिसकी वजह से किसी ने मेरे $1,000 चुरा लिए हैं। सैंड्रा कहती है कि आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा, डोर को अच्छी तरह से लॉक करके जाना है। इतना कहकर सैंड्रा सभी को अपना काम करने के लिए कहती है और खुद भी काम में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर में धीरे धीरे रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद मार्टी जो वहीं काम करती थी वो बेकी के पास जाकर कहती है कि सैंड्रा को लगता है कि तुमने कल रात दरवाजा खुला छोड़ दिया था, लेकिन बेकी उसे कहती है कि दरवाजा असल में केविन ने खुला छोड़ा था और मैं इस बात को सैंड्रा को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इससे केविन की जॉब चली जाएगी। यहाँ पर मार्टी को पता चलता है कि बेकी सच बोल रही है। इसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ घंटों बाद यानी दोपहर के टाइम रेस्टोरेंट के फोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही सैंड्रा उस कॉल को पिक करती है तो दूसरी तरफ से डेनियल नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया है जो मुझे बता रहा है कि आपके पर्स से जो पैसे चोरी हुए हैं वो आपके रेस्टोरेंट में काम करती एक लड़की ने चुराए हैं जिसका नाम बेकी है और बेकी को उसने अपनी आँखों से आपके पर्स से पैसे चुराते देखा है। इतना कहकर डेनियल सैंड्रा को कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम है जो आपके रेस्टोरेंट पर आकर बेकी से इस बारे में पूछताछ कर सकती है, लेकिन इससे आपके रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हो। सैंड्रा ये सब सुनकर थोड़ा घबराती हुई डेनियल से पूछती है कि आखिर आपकी हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ, जिस पर डेनियल सैंड्रा को कहता है कि सबसे पहले आप बेकी को रेस्टोरेंट के बैक साइड लेकर आइए और उससे मेरी बात करवाइए। सैंड्रा ऐसा ही करती है। वो तुरंत बेकी के पास जाकर उसको रेस्टोरेंट के बैक साइड ले जाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताकर डेनियल को फोन लगाकर बेकी की डेनियल से बात करवाती है। फोन पर बेकी डेनियल से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन डेनियल उसे कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया है जिसने तुम्हें सैंड्रा के पर्स से चोरी करते हुए देखा है। इसके बाद डेनियल बेकी से कहता है कि मेरी सैंड्रा से बात करवाओ। डेनियल सैंड्रा से कहता है कि आपको बेकी के पर्स की तलाशी लेनी होगी, जिससे सैंड्रा तुरंत बेकी का पर्स उठा लेती है और साथ ही बेकी को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हारे पर्स से मुझे मेरे पैसे मिले तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी। वह यहाँ पर सैंड्रा बेकी के पर्स को चेक करती है लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सैंड्रा डेनियल को कहती है कि मुझे बेकी के पर्स से कुछ भी नहीं मिला, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि बेकी को रेस्टोरेंट में ही पकड़ कर रखो। साथ ही वो सैंड्रा को ये भी कहता है कि आपको मेरी फोन कॉल पर ही मदद करनी होगी। सैंड्रा उसे कहती है कि बेकी ने पहले कभी ऐसा गलत काम नहीं किया है, लेकिन डेनियल उसकी बात का विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर बेकी निर्दोष निकली तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और जो भी सजा मुझे कानून देगा मैं उसे कबूल करूँगा। सैंड्रा बेकी की दोबारा डेनियल से बात करवाती है और बेकी डेनियल को समझाने की कोशिश करती है कि सर मैंने आज तक कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया है और मैं चोर नहीं हूँ। ये सुनकर डेनियल बेकी को दो ऑप्शन देता है, पहला ये कि बेकी को चोरी के जुर्म में जेल जाना होगा और दूसरा ये कि बेकी को अपने सारे कपड़े उतार कर सैंड्रा को उसकी तलाशी लेने देनी होगी। ये दो ऑप्शन सुनकर बेकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर सैंड्रा को उसकी तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो डेनियल से रिक्वेस्ट करती है कि जब सैंड्रा उसकी तलाशी ले तो उसके पास मार्टी वहां मौजूद रहे। डेनियल बेकी की इस बात के लिए मान जाता है। वहीं सैंड्रा को यहां पर थोड़ा शक होता है और वो डेनियल से पूछती है कि क्या वो किसी फोन बूथ से बात कर रहा है या फिर वो किसी तरीके से उन्हें देख रहा है। सैंड्रा की इस बात का डेनियल कोई जवाब नहीं देता और सैंड्रा भी मन ही मन डरी हुई थी, इसलिए वो बात को इग्नोर करके मार्टी को लेने चली जाती है। सैंड्रा मार्टी के पास जाकर उसे इस मामले के बारे में सब कुछ बताकर अपने साथ रेस्टोरेंट के बैक साइड ले आती है। इसके बाद बेकी अपनी तलाशी देने के लिए एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और सैंड्रा बेकी के सारे कपड़ों को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में वो डेनियल को बताती है। डेनियल सैंड्रा को कहता है कि आपको बेकी के अंडरगारमेंट्स भी चेक करने होंगे। अब मजबूरी में बेकी को अपने अंडरगारमेंट्स भी उतारने पड़ते हैं और वो पूरी तरह से न्यूड हो जाती है, लेकिन वहाँ खड़ी मार्टी को ये देखकर बेकी पर बहुत दया आती है, इसलिए वो एक एप्रॉन उठाकर बेकी को पहनने को देती है। वहीं डेनियल सैंड्रा को कहता है कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर एक कार खड़ी है जिसमें आपको बेकी के सारे कपड़े रखने होंगे जिन्हें मैं बाद में अच्छे से चेक करूंगा। सैंड्रा बेकी के कपड़े बाहर उसकी बताई हुई कार में रखकर वापस आकर मार्टी को वापस काम करने के लिए भेज देती है और डेनियल को कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। इतना कह
कहकर वो डेनियल से कहती है कि मुझे भी अब अपने काम पर जाना है वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस पर डेनियल कहता है कि ठीक है आप अपने काम पर चले जाओ लेकिन बेकी पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को बुला लो। उसकी इस बात को मानकर सैंड्रा केविन के पास जाकर उसे इस बारे में सब कुछ बताकर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के बैक साइड ले आती है और उससे कहती है कि तुम्हें बेकी पर कुछ टाइम नजर रखनी होगी। केविन जो कि बेकी का काफी अच्छा दोस्त था जब वो बेकी को बिना कपड़ों के बैठा देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है और डेनियल को गुस्से से समझाता है कि बेकी चोर नहीं है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वहीं डेनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी की तलाशी लेनी होगी। इसे सुनकर तो केविन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने बेकी के सारे कपड़े उतरवा दिए हैं और अब भी तुम उसकी तलाशी लेने को बोल रहे हो। केविन पूछता है कि अब कौन सी तलाशी लेनी है जिस पर डेनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी के प्राइवेट पार्ट्स की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर केविन डेनियल को गाली देता है और कहता है कि भाड़ में जा तू और तेरी तलाशी। इतना कहकर वो बाहर आने लगता है और अचानक वो सैंड्रा से टकरा जाता है जो वहीं आ रही थी। वो सैंड्रा से कहता है कि सॉरी इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सैंड्रा डेनियल से बात करती है जहां डेनियल उसे बताता है कि केविन बेकी पर नजर रखने के लिए सही आदमी नहीं है। डेनियल सैंड्रा से पूछता है कि आप किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो बेकी पर अच्छे से नजर रख सके, जिसके जवाब में सैंड्रा उसको अपने मंगेतर के बारे में बताती है। डेनियल कहता है कि आपको अपने मंगेतर को इस काम में उनकी मदद करने के लिए बुलाना होगा। सैंड्रा को काफी अजीब लगता है लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगेतर जिसका नाम वॉन था उसे रेस्टोरेंट में बेकी पर नजर रखने के लिए बुला लेती है लेकिन वैन काफी नशे में था। सैंड्रा वैन को इस मामले के बारे में सब कुछ समझा देती है और वैन को बेकी के पास नजर रखने के लिए छोड़कर वापस अपने काम पर चली जाती है। वहीं डेनियल वैन से कॉल पर बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बेकी को एप्रॉन निकालने के लिए कहना होगा लेकिन वैन इतना भी नशे में नहीं था कि वो इस बात को समझ ना पाए। वो डेनियल को ऐसा करने से मना कर देता है। डेनियल वॉन को कहता है कि मेरी बेकी से बात करवाओ। डेनियल बेकी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो वैन तुमसे कहेगा। आखिरकार बेकी ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है और वैन के सामने ही अपना एप्रॉन उतार कर फिर से पूरी तरह से न्यूट हो जाती है। डेनियल बड़े ही घटिया तरीके से वैन से पूछता है कि बेकी के बॉडी पार्ट्स कितने बड़े हैं, जिस पर वैन कोई जवाब नहीं देता। तभी डेनियल वैन को कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस आदमी ने बेकी को चोरी करते देखा था उसने बेकी के चेस्ट पर कुछ निशान देखे थे इसलिए तुम्हें उन निशानों का पता लगाना है। वहीं डेनियल को वॉन की आवाज से आइडिया हो जाता है कि वो नशे की हालत में है इसलिए वो वॉन को कहता है कि तुम्हें बेकी को जंप करने के लिए कहना होगा जिससे चोरी किए गए पैसे उसके प्राइवेट पार्ट से नीचे गिर जाएंगे। वहीं वैन के कहने पर बेकी नग्न हालत में ही जंप करने लगती है और जब कोई पैसे बाहर नहीं निकलते तो डेनियल वॉन से कहता है कि तुम्हें बेकी के प्राइवेट पार्ट्स को खुद ही चेक करना होगा। वैन अब बेकी से काफी अट्रैक्ट हो चुका था इसलिए वो बेकी के प्राइवेट पार्ट्स चेक करने लगता है। वहीं बेकी भी अब एक कठपुतली की तरह काम कर रही थी। जैसा जैसा डेनियल उससे करवा रहा था वो बिना कोई सवाल किए करती जा रही थी। अब जब वॉन बेकी का प्राइवेट पार्ट चेक कर रहा था तभी दूसरी तरफ सैंड्रा उनके पास ही आ रही थी लेकिन इससे पहले कि वॉन को ऐसा करते देख पाती वो रुक जाते हैं लेकिन सैंड्रा को वॉन पर शक होता है इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे, जिसके जवाब में वॉन उसे कुछ नहीं बताता जिससे सैंड्रा डेनियल से बात करके उससे पूछती है लेकिन डेनियल उससे बड़े ही प्यार से बात करता है जिससे कि वो उस पर शक ना करे। इसके बाद सैंड्रा को लगता है कि सब कुछ ठीक है जिससे वो फिर से वापस अपने काम पर चली जाती है। सैंड्रा के जाते ही डेनियल वॉन को कहता है कि तुम बेकी के बैक साइड में थप्पड़ मारो। वॉन ऐसा ही करता है, वो बेकी को थप्पड़ मारने लगता है जिससे बेकी को काफी ज्यादा पेन होता है। डेनियल बेकी से कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी और मैं तुम पर उसके बाद कोई और कार्रवाई नहीं करूंगा। डेनियल कहता है कि तुम्हें वॉन के साथ इंटीमेट होकर उसे पूरी तरह से खुश करना होगा। ये सुनकर बेकी पहले तो हिचकिचाती है लेकिन अब उसे इस सब से आजाद होना था इसलिए वो इस घिनौने काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ टाइम के बाद सैंड्रा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है जहां वो देखती है कि बेकी और वैन दोनों चुपचाप बैठे हैं जिसका मतलब कि वॉन बेकी के साथ इंटीमेट हो चुका था और अब रात भी हो चुकी थी। वॉन अपने किए पर शर्मिंदा था और अब उसका नशा भी काफी उतर चुका था, वो बेकी से नजर नहीं मिला पा रहा था। सैंड्रा को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि वहां आखिर क्या हुआ है। तब सैंड्रा डेनियल से कॉल पर बात करती है तो डेनियल उसे बताता है कि वॉन काफी थक चुका है इसलिए उसे घर भेज दो, जिसके बाद वॉन वहां से चला जाता है। वो कार में बैठकर अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर बुलाता है और उसे ये सब बताता है कि उसने नशे की हालत में कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सैंड्रा का एक दोस्त उससे मिलने आता है, उसे देखकर सैंड्रा काफी खुश होती है। वहीं रेस्टोरेंट की बैक साइड में बेकी देखती है कि इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरे लगे हुए थे, मतलब कि जो भी वॉन ने उसके साथ किया था वो रेस्टोरेंट के कैमरा
आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था। वहीं सेंड्रा हेरोल्ड को बेकी के बारे में सब कुछ बताकर उसे कुछ समय के लिए बेकी की निगरानी रखने के लिए मना लेती है और उसे बैक साइड बेकी की निगरानी के लिए छोड़कर अपने काम पर वापस आ जाती है। जिसके बाद डेनियल जब हेरोल्ड से बात करता है तो हेरोल्ड को वॉन ने जो बेकी के साथ किया था वो सब कुछ बता देता है और फिर हेरोल्ड को भी कहता है कि तुम्हें भी बेकी के साथ इंटीमेट होना होगा। ये सब सुनकर हेरोल्ड तुरंत सेंड्रा के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताता है कि डेनियल ने वॉन से बेकी के साथ क्या करवाया और अब वो मुझसे भी बेकी के साथ ऐसा ही करने को बोल रहा है। इतना सुनते ही सेंड्रा को अब यकीन हो जाता है कि डेनियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके उनको इस सब घटना के बारे में बताकर वहाँ बुला लेती है। पुलिस सबसे सवाल जवाब करती है और जब पुलिस बेकी से पूछती है कि तुमने डेनियल को ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया तो बेकी कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और मैं इस सब मैटर से आजाद होना चाहती थी। अब इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो अलग अलग शहरों में कॉल करते हैं जहाँ से उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटना पहले भी जगहों पर घट चुकी है। वहीं पुलिस को डेनियल के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि डेनियल असल में एक टेलीमार्केटर था और वो उसे इस जुर्म की सजा देने के लिए पकड़ लेते हैं। वहीं हम बेकी को देखते हैं जो अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए सेंड्रा पर कोर्ट में केस कर देती है और कानूनी कार्रवाई के बाद सेंड्रा को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और साथ ही उसे फाइन भी लगाया जाता है। कुछ दिनों बाद सेंड्रा का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो खुद को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि डेनियल एक फेक पुलिस ऑफिसर बनकर उनसे बात कर रहा था। वो बताती है कि मैं अपने रेस्टोरेंट की बदनामी को बचाने के लिए डेनियल से फोन पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।